हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया BY-M1 माइक की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी कटा हुआ है क्योंकि जब डिलीवरी आई थी मुझे सुबह, तो ये थोड़ा सा ऐसे क्रश सा लग रहा था, तो मैंने उसको चेक करने के लिए ऊपर से कट कर दिया था कि प्रोडक्ट है कि नहीं। तो प्रोडक्ट तो है, तो अब आप लोगों के सामने प्रोडक्ट हम चेक करते हैं और निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या है। एक नॉर्मल सी पैकिंग है, हर बार ऐसी ही आती है। ये बिल होगा, हाँ यस ये बिल है। और ये आप देखिए, क्लोजअप देखिए इसका, ये इस तरह की पैकिंग है इसकी। ये बहुत ही लोकल सी पैकिंग है, ये आपके लोकल मार्केट्स में मिल जाएगा इस पैकिंग में, और हालत बहुत ही ख़राब है। बट डिलीवरी बॉय ने मुझे बताया कि ये कुछ हैवी सामान के नीचे था, तो ऐसी हो गई। बट एनीवेज, थोड़ा बहुत हम भी एडजस्ट करके चल रहे हैं कोरोना के टाइम में। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे बेसिक बताया गया है, BY-M1 माइक है और प्रिक्स वगैरह। और यहाँ पे दिया हुआ है फीचर्स, फीचर्स के साथ यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस भी दी हुई हैं। स्पेसिफिकेशंस में आप देखेंगे तो सेंसिटिविटी, सिग्नल नॉइज, आउटपुट इम्पेडेंस, कनेक्टर, बैटरी टाइप एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिया हुआ है। मेन जो हमारे चेक करने की चीज़ें हैं वो है एक्सेसरीज इंक्लूडेड। एक्सेसरीज इंक्लूडेड में लिखा है लेपल क्लिप, LR4 बैटरी, लोम विंडस्क्रीन और 1/4 अडेप्टर। और ऊपर आप देखेंगे तो जैसे हर कोई अपने प्रोडक्ट की तारीफ करता है, वैसे ही कुछ कुछ तारीफ़ें लिखी हैं। अगर आप देख सकें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अंदर क्या है। ओके, अंदर हमें एक ब्लैक पाउच मिलता है। ये ब्लैक पाउच ऐसा लग रहा है जैसे हीरे रखने का पाउच है, बट एनीवेज ये एक सिंपल सा माइक रखने का पाउच है। अब इसमें आप देखेंगे तो ओके, पहले तो एक्सेसरीज़ का है, एक्सेसरीज़ दी हुई हैं, ये हम साइड कर देते हैं, पहले माइक पे ध्यान करते हैं। ओके नाइस, और आई थिंक दिस इज़ अ वारंटी कार्ड। यस दिस इज़ अ वारंटी कार्ड, ये वारंटी कार्ड है। ये आजकल प्रोडक्ट के साथ मिलता है, और चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है कुछ कुछ, तो अवॉइड चाइनीज़ प्रोडक्ट गाइस, कंपल्सरी हो तभी ये लीजिए। एनीवेज कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं, ये देखिए ये जो माइक है, ये माइक बहुत ही ज़्यादा लंबा है, मतलब केबल जो है इसकी, देखिए बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखेंगे, बिल्ड क्वालिटी में कोई कंपनसेशन यहाँ पे नहीं किया गया है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है इसकी, ये देखिए बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और ये एक्चुअल में जो इसकी लेंथ है, ये अराउंड 6 फिट के आगे की है, यानी डायमेंशन ज़रूर दिया है, 6 मीटर की बताया गया है केबल। ओके, तो माइक्रोफोन और डायमेंशन दिया, चलिए और तो कुछ इसमें दिया नहीं है। लेंथ इसकी बहुत बड़ी है, ये मैं आपको एक सैम्पल पिक भी दिखा दूँगा वीडियो के एंड में। और अगर आप देखें, माइक नॉर्मल जैसा मार्केट में मिलता है वैसे ही दिख रहा है, और यहाँ पर स्ट्रैप है ये केबल को कनेक्ट एक साथ रखने के लिए, और बीच में ये कंडेंसर है जो इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो कैमरास और एक स्मार्टफोन। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे आप कैमरा में लगा रहे हैं, जैसे DSLR से आप शूट कर रहे हैं, तो आप इसको ऊपर कर देंगे और आप कैमरा से शूट कर सकते हैं इसको कनेक्ट करके, और वैसे ही स्मार्टफोन के लिए नीचे करना है शूट कर सकते हैं। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि बिना बैटरी के स्मार्टफोन से चल जाता है ये कनेक्ट करने के बाद, बट मैंने जो देखा है और सुना है उसमें इसके अंदर बैटरी लगाना ज़रूरी है। बैटरी लगा के आप ऐसा खोलेंगे तो ये बैटरी का कंपार्टमेंट है, ये कनेक्टेड है, इसको बंद कर दीजिए। ये तो क्वालिटी अच्छी है काफ़ी इसकी, और ये आप देखेंगे तो ये दिया हुआ है, ये अभी ऑफ पे दिखा रहा है स्मार्टफोन पे, बैटरी लग गई है। हम जब इसको जब भी कनेक्ट करके करेंगे तो हम इसको ऊपर कर देंगे, तो ये हमारा ग्रीन हो गया, तो ये चल रहा है। और जब कैमरे के लिए करेंगे तो इसको नीचे कर देंगे, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और ये आप अगर माइक देखें, ये माइक की खासियत ये है, ये ओमनी डायरेक्शन माइक है। ये ऐसा माइक नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से आवाज़ पकड़ेगा, ये अगर जब आप बोलते जाएंगे तो ये आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से पकड़ेगा। ये मोनो स्टीरियो माइक नहीं है, ये ओमनी डायरेक्शन माइक। अब हम इसकी एक्सेसरीज देख लेते हैं।
सिंपल सी पैकिंग है। एक्सेसरीज में अगर आप देखें तो ओके, एक ये क्लिप दिया हुआ है, ये देखिए एक क्लिप दिया हुआ है, और दूसरा ये अडेप्टर दिया हुआ है 1/44 अडेप्टर। ये बेसिकली कैमरास के लिए, जहाँ पे आप अपना माइक का ये जैक कनेक्ट करके इसको चला सकते हैं। ये देखिए इसे कनेक्ट हो नहीं रहा है, ये शायद कुछ होगा फीचर, बट ये ऐसे ही है, इसको ऐसे कनेक्ट करके चलाते हैं। अब ये मैं जब ट्राई करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा, बट क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अब। और ये है क्लिप, ये हर किसी में दी होती है, और साथ ही इसमें दिया है ये विंड स्क्रीन। ये बहुत एवरेज सी विंड स्क्रीन है, ये हर माइक के साथ मिलती है और कुछ माइक के साथ नहीं भी मिलती। तो अब दोस्तों आगे से हम इस माइक को ट्राई करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका सैंपल भी दे दूंगा साउंड क्वालिटी का। अभी जिस माइक से बात कर रहा हूँ ये एक लोकल मार्केट से लिया हुआ माइक है, तो दोनों के सैंपल में आप बताइएगा कि क्या फ़र्क है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और याद से दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि इससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कोरोना में टेक केयर गाइस, बी सेफ, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर फ्रेंड्स। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये बोया BY-M1 माइक से आ रही है, और बैकग्राउंड में नॉइस है कि नहीं आप इससे चेक कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का मैंने कोई एडिटिंग या कुछ नॉइस रिडक्शन नहीं किया है।